नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी का अभी पहचान नहीं हो पाई है। यह मुठभेड़ शोपियां जिले के हांजीपुरा इलाके में हुई है। अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपियां जिले में लगातार 3 दिन के भीतर एनकाउंटर की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार को शोपियां जिले के शिरमल इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आसामा के अंतर्गत धगवाल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मेन चौक में 25 जून को काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डीडीसी मेंबर घगवाल सुरेश कुमार के साथ बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान डीडीसी मेंबर सुरेश कुमार ने कहा, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इस दिन को एमरजेंसी लगाकर कई देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया था। यह दिन हम काला दिवस में मनाते हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब हम कांग्रेस मुक्त जम्मू बनाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो रूल चेंज किया था, ये ब्लैक दिवस के नाम पे हम आज मना रहे हैं। पर उस टाइम जो इलेक्शन था वो बहुत पहले तो बहुत फेयर इलेक्शन होते थे, लेकिन उस टाइम से शुरू हुआ है पैसा, शराब और ये सारा 1975 पंजी जून से शुरू हुआ। और उसी टाइम कांग्रेस ने 375 सीटें ली थी। हमने इसके विरोध में ये काम शुरू से चलता रहा है। उस टाइम से आज 45 साल बाद भी हम ब्लैक दिवस मना रहे हैं। तो हम मतलब ये भी तरफ से चाहती है कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर होना चाहिए। अनंतनाग जिले के सरहामा बिजबेहरा इलाके में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र की लंबित मांग है और आज हमारी मांग पूरी होगी। लोगों ने कहा कि हम इस विभाग के आभारी हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं सरहामा का रहने वाला हूँ। यही इसी बुनगामा महले में रहता हूँ मैं। और यहाँ पर डिपार्टमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम। इस रोड से मतलब हम चल नहीं सकते थे जब बारिश हो रही थी, तो अब काफ़ी तंग रोड है, नैरो रोड है, इस पर मतलब मैग्नमाइज हो रहा है। ये काफ़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए और डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छी तरह से मैग्नमाइज यहाँ पर कर रहा है और ब्लॉक टॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। तंग रोड है लेकिन बड़ी मशीन है यहाँ पर। आप अगर देख सकते हैं विजुअल्स, थोड़ी बहुत मतलब ढलान भी है इस साइड से, तो काफ़ी अच्छी मेहनत हो रही है। मजदूर लोग भी हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छी तरह से ब्लॉक टैपिंग हो रही है। हम शुक्रगुजार करते हैं डिपार्टमेंट की। और माशरा में श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया। पूरे विश्व भर में प्रकाशोत्सव मनाया गया। उसके चलते गुरुद्वारा छठी पातशाही नौशहरा सुबह से ही शब्द कीर्तन चलता रहा। लोग बढ़ चढ़ कर गुरुद्वारे पहुँच और माथा टेक कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कोरोना से बचाव के पूरे प्रबंध किए गए। साथ ही लोगों को उचित दूरी बनाकर गुरुद्वारा में बैठे नजर आए। वहीं गुरुद्वारा में लंगर भी लगाया गया। शादी का प्रकाश दिन है जो कि नौशहरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी विखे हर साल मनाया जाता है। इतने समझी कत्र हो के बड़े धूमधाम ना मना रही है 6वें पातशाह का प्रकाश दिन। लॉकडाउन समझते हुए बड़े पालना करते हुए गुरु मना रहे हैं। साथ साथ 6वें पातशाह जी जगह आए सब इस खुशी में उन्होंने प्रोग्राम किया जा रहा। डीडीसी सदस्य मरहीन के साथ डीसी कटवार राहुल यादव ने गांव छब्बे चाक में उज नदी पर बंद की स्थिति का निरीक्षण किया। बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों को मॉनसून के आगमन से पहले बंद की सुरक्षा के लिए निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए। और हमारे एक्शन फ्लड कंट्रोल जो है वो भी यहां पर थे और जल्दी कोशिश करेंगे। नवाड़ में हमारा प्रोजेक्ट इसको प्रपोज कर रखा है, लेकिन इसको जल्दी इसका वर्क स्टार्ट हो पाए सो दैट जो लोगों का और नुकसान न हो। संभागीय आयुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगड़ ने पटनी टॉप में मेगा परियोजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। जी देखिए, आज एक रिव्यू पूरा रखा गया था इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए। पटनी टॉप, बटोत, कुद, पूरा ये जो हमारा टूरिस्ट सर्किट है यहाँ पर
पीडीए ने बहुत अच्छा काम किया है। पीडीए के पास टोटल मैं आपको अगर बताऊं तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 72 रेवेन्यू विलेजेस हैं यहाँ पर, मानतलाई, सुदमादेव जैसी डेस्टिनेशंस भी इनके पास हैं, सन्नासर, नथा टॉप, ये सब एरिया है, ज्यूरिसडिक्शनल एरिया पीडीए का। तो आज हम लोगों ने एक डेवलपमेंटल रिव्यू यहाँ रखा था, सीईओ पीडीए, हमारे डिप्टी कमिश्नर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गुरुद्वारा शादी मर्ग में श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया गया। इनका जन्म पिता फिफ्थ गुरु, सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के, और माता गंगा इनकी माँ थी जिनके कोख से जन्म हुआ आज ही के दिन। तो फिर आज से कोई 400 साल पहले की बात है, गुरु हरगोविंद साहब इस मुगल रोड से यहाँ आए थे, जहांगीर का दौर था, तो ये चिनार है, इसके साथ वो बैठ के तो लोगों के साथ वो आए थे लोगों के लिए। और लोग कौन था, ये उनके गुरु हरगोविंद साहब के दरबार में एक मुसलमान चेला था, उनका नाम बाबा बुड्ढन शाह था। तो इसी दिन, मतलब एक दिन उनको वहाँ ख्वाब देखा गुरु हरगोविंद साहब ने, ये शहीद कटूशा उनको याद कर रहे थे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।